नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। वैसे तो देश भर में भगवान सूर्य के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं और सभी का अपना अपना महत्व है। ऐसे में बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित देव सूर्य मंदिर का अलग ही एक इतिहास है। लेकिन लोक आस्था के महापर्व छठ के दौरान इस मंदिर की खासियत और अधिक बढ़ जाती है। यहाँ हर साल सूर्य अचला सप्तमी को महोत्सव का आयोजन होता है। यहाँ छठ पर सूर्यकुंड तालाब का भी विशेष महत्व है। देव मंदिर और छठ का है विशेष संबंध। कहा जाता है कि देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथों देवता हार गए थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हेतु देवार्णे में छठी मैया की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। इसके बाद अदिति के पुत्र त्रिदेव के रूप में आदित्य भगवान हुए, जिन्होंने असुरों पर देवताओं को विजय दिलाई। कहते हैं कि उसी समय से देवसेना षष्ठी देवी के नाम पर इस धाम का नाम देव पड़ गया और छठ का चलन भी शुरू हुआ। देव सूर्य मंदिर में छठ करने का महत्व। इस देव मंदिर में छठ करने का अलग ही महत्व है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान सूर्य तीन स्वरूपों में विराजमान है। पूरे देश में यही एकमात्र सूर्य मंदिर है जो पूर्वाभिमुख ना होकर पश्चिमाभिमुख है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान सूर्य ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में विराजमान है। गर्भगृह के मुख्य द्वार के बाईं ओर भगवान सूर्य की प्रतिमा है और दाईं ओर भगवान शंकर के गोद में बैठी प्रतिमा है। ऐसी प्रतिमा सूर्य के अन्य मंदिरों में देखने को नहीं मिलती। छठ पर्व के दौरान यहाँ भव्य मेला भी लगता है। हर साल पूरे देश से लाखों श्रद्धालु यहाँ छठ करने आते हैं। देश ही नहीं, विदेशों से भी आते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त मन से इस मंदिर में भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। छठ के दौरान इस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था और भी बढ़ जाती है। कब हुआ था मंदिर का निर्माण? ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने सिर्फ एक रात में किया था। इस मंदिर के बाहर पाली लिपि में लिखित अभिलेख से पता चलता है कि इस मंदिर का निर्माण 8वीं-9वीं सदी के बीच हुआ था। इसकी शिल्प कला में नागर, द्रविड़ और बेसर तीनों शैलियों का मिश्रण दिखाई देता है। मंदिर का शिल्प उड़ीसा के कोणार्क के सूर्य मंदिर से मिलता जुलता है। बहरहाल देव सूर्य मंदिर की महिमा ही है कि इस मंदिर को औरंगजेब भी नहीं तोड़ पाया था। एक कहानी के अनुसार औरंगजेब भी इस मंदिर को तोड़ने के लिए पहुंचा था, लेकिन लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। तब उसने कहा कि अगर तुम्हारे देवता में इतनी ही ताकत है तो मंदिर का द्वार पूरब से पश्चिम कर दे। ऐसा होने पर उसने छोड़ देने की घोषणा की। कहते ही दूसरे दिन सुबह जब लोगों ने देखा तो मंदिर का प्रवेश द्वार पूरब से पश्चिम हो गया था। इसके बाद औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का इरादा बदलना पड़ा था और मान्यताओं के अनुसार ये मंदिर तब से सुरक्षित खड़ा है। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।